अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है तिर्मिज़ी के अंदर, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिलमारूफ़ वलतनहउन्न अनिल मुनकर औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअथ अलैकुम अज़ाबन मिन इंदिही थुम्मा तदउनहु फलायुस्तजाबुलकुम। तिर्मिज़ी की हदीस है। क्या फरमाते हैं? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जी, नेकी के हुक्म देने को अपने आप के लिए ज़रूरी समझो, काम नहीं छोड़ना। बुराई से रोकने के काम को नहीं छोड़ना, ये दोनों काम करते रहना, वरना क्या होगा? अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करेगा। उसके बाद दुआ करोगे रो रो के, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल भी नहीं करेगा। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुज़ैफ़ा बिन यमान की हदीस है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं, देखो चराग जलाए तो रोशनी फैल जाती, अंधेरा दूर हो जाता ना, वैसे खाली फजाइल बताओ, ये करो ये करो ये करो, कुछ भी परवाह नहीं, सब मानेंगे, सब करेंगे, बुराई छोड़ देंगे। कुरान में वैसे कहीं नहीं है ना, खाली नेकी का हुक्म दो, दोनों चीज़ें मिलकर आई कुरान में 9-10 जगह, ये भी करो ये भी करो। कुछ जमात को कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छे इरादे से सब काम करते हैं, लेकिन बुराई कहाँ से मिटेगी? अगर अल्लाह ऐसा ही होता तो अल्लाह के रसूल जो है किसी को मना ही नहीं करते, खाली नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, जमात को आओ, चिल्ले में निकलो, तबलीग करो, ये कहते ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने हुदूद कायम किए, कत्ल करना है कत्ल किए, हाथ काटना है हाथ काटे, सब किए ना अल्लाह के रसूल। गोया ये कहना कि फजाइल ही सब कुछ करने से हो जाता है, ये आधे कुरान को माने जैसा हुआ, आधी शरीयत को माने जैसा हुआ, आधी शरीयत पर अमल नहीं हुआ, इसका हमको ख्याल करना चाहिए। तो ये भी गलत तरीक़ा है, सिर्फ बच्चों को अच्छी बातें बताते रहें, बुरी बातें गलत चीज़ों से ना टोके। अरे गलत चीज़ों से टोके तो क्या करेगा? जाएगा घर से, भाग जाएगा, खुदकुशी कर लेगा। तो सिर्फ अच्छी बातें बताते रहो, बुरी बातें मत बनो, गलत तरीक़ा है, जाएगा खुदकुशी कर लेगा, जहन्नम को जाएगा। हाँ छोटे बच्चे हैं, उनको मारने की ज़रूरत नहीं, समझाने की ज़रूरत है ज़्यादा। अगर वो धो के 10 साल के हैं तो अल्लाह के रसूल ने कहा मारो उनको, नमाज पढ़ाओ, कौन करता होगा ये काम? कोई नहीं करते, ये इंतहाई अफसोस की बात है। लिहाजा मेरे भाइयों, दीन की बातें पूरी मालूम होना चाहिए, उनको बताते रहना चाहिए, उस पर कहते रहना चाहिए कि क्या क्या गलत तरीक़े हैं, गलत रस्म है।